लगाना है। ओके मैं आर्ट मेकअप लगाती हूँ। तू जा मेरी माँ। यहाँ 30 मार्क खा नहीं चल रहा। चलो चलो अभी ये रील्स बना रही थी शूटिंग के बीच में बैठे बैठे, और बीच में 30 मार खा का कोई रील्स देख लिए ना, कौन सा रील्स देखियो। और मैं आर्ट मेकअप लगाती उसी पे बोलती है मैं मेकअप और लगा के आती हूँ। तो मैं बोला जा तू जा मेरी माँ, हो क्या। मेरे को पता नहीं था कि डायलॉग भी यही है, तू जा मेरी माँ, इसलिए हम लोग हंस रहे हैं। फिलहाल गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं किस पे, पंकज त्रिपाठी का एक वीडियो आया है द स्क्रीन पत्ती पे TSP पे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है। आप वहां वैसे से इस पे जाके हम रिएक्ट चेकआउट करने कर वाले हैं कि सकते हो कैसा आप। है ये वीडियो। फिलहाल मुझे पंकज त्रिपाठी बहुत पसंद है, मुझे एंड भी आई पसंद डोंट है। नो इस पे व्यूज आएंगे नहीं नहीं आएंगे, आएंगे क्योंकि एक्चुअली बिहार से ही तो है। हाँ पंकज त्रिपाठी बिहार से हैं, तो थोड़ा सा प्रेम उधर का भी है, तो हम देखना चाहते हैं नहीं इनको। बहुत अच्छे एक्टर, मतलब एक्टर। वर्सेटाइल एक्टर, द बेस्ट एक्टर है बॉलीवुड के, एकदम टॉप एक्टर है वो फिलहाल। तो हाँ गाइस चलो हर देखते हैं। किरदार और में यार आप लोग मेंबरशिप नहीं ले रहे हो यार, ले लो यार, बहुत सारे वीडियो पे कॉपीराइट लगते हैं, तो आपका सपोर्ट चाहिए। चाहिए यस वी नीड योर राइट। सपोर्ट, आप मेंबरशिप ले लो, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा थोड़ा बहुत सपोर्ट, आप कर सकते हो। यार जल्दी करो सर आते होंगे। चलो 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 सर आ रहे हैं। अच्छा पंकज सर, उसको गिरा दो, वास को गिरा दो, उसे डिज्नी उसको गिरा हॉटस्टार, दो, मैं यस चेयर पे ड्रॉप आई इट। हूँ। सर आ गए सर आ गए सर आ गए। ओके नमस्कार मैम, सर आ गए सर आ आप गए। कैसे हैं सर? सर आशीर्वाद आप ठीक हैं सर? सर सब शुरू होने से पहले मैं आपको एक बार सीन समझाता हूँ सर। ओके तो सर सीन ऐसा है कि यहाँ पे एक बात हुई। सॉरी 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 मैम, मैं थोड़ा लेट हो गया। दरअसल क्या हुआ कि मैं बोट से आ रहा था, और जैसे नाव से उतरा और नाव से उतर के कुछ 10 कदम आगे बढ़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे दाहिने हाथ में कुछ तो था। जब मैं पलटी मार के देखा तो नाव जा चुकी थी। ओके फिर रुकना पड़ा, नाव उधर से आया। हो गया बोल लिए। अरे बॉडी डबल को अभी काहे बुला लिए? कसम देखे तुम हमारा बड़ा बढ़िया नकल करते हो TSP पे, पर अभी इनका क्या जरूरत है इनको। भाई साहब ऐसा है कि जैसे बाराती में शेरवानी पहनने से कोई दूल्हा नहीं हो जाता, वैसे ही एक कोट पहन लेने से आप माधव मिश्रा नहीं हो जाएंगे। सही बात है। बहुत मेहनत किया है मैंने इस केस के लिए, बहुत प्रिपरेशन किया है, तो प्लीज फोकस। आपको पता नहीं तो बता दूं, ये ना हॉटस्टार पे सीरीज आता है इनका, उस सीरीज की बात कर रहे हैं। उस सीरीज इनका नया पार्ट सीजन 3 आने वाला है इनका। इनको ले जाइए। अच्छा कैरेक्टर में हम बड़ी मुश्किल से घुसे हैं समझे। इस शर्ट जो है टाइट सी दिया था, इसको अल्टर कराए, तो आप हमें फोकस करने दीजिए। आप लोगों को तो पता है ना भाई कि असली माधव मिश्रा कौन है? ये बोलो कौन है, पता है ना? इनके साथ साथ हमको भी पता है कि असली माधव मिश्रा कौन 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 है। असली माधव मिश्रा हम हैं। अरे हम हैं, हम हैं, हम हैं। नहीं आप नहीं, असली माधव मिश्रा। अरे भाई हम ही को बना दो, हम ही हैं असली माधव मिश्रा, हम हैं। अरे अरे छोटा 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 कौन है असली पंकज त्रिपाठी फिर माधव मिश्रा? तुम पंकज त्रिपाठी के भूत हो। हम पंकज त्रिपाठी के भूत नहीं, हम पंकज त्रिपाठी एक्टिंग के भविष्य। समझाइए। अजीब बात है, ऐसे तो तुम हमारे गांव जाके क्लेम कर दोगे कि तुम ही हो असली पंकज। कि पूरा देश जानता है कि पंकज त्रिपाठी कौन है। ये पंकज सर एक काम करते, एक मिनट, अभी अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप आईडेंटिटी कार्ड निकालिए, आधार कार्ड निकालिए और दिखाइए हमको। दूध में मिलावट का बात कोई शहरी बाबू ही कर सकता है, हमारे गांव में ये सब नहीं चलता है। लेकिन ठीक है, आप अपना आधार कार्ड निकालते हैं, आप निकालिए। बताइए, हमको पहले लगा था कि तुम हमारा ऐसा मुंडी का कॉपी करते हो हिलाने का, हाथ का ऐसा ऐसा कॉपी करते हो, भुआ का हिलाने का कॉपी करते हो। तुम्हारा आधार कार्ड कॉपी कर लिए, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है हमारा, IPC 51 के तहत अंदर करवा देंगे। समझ गए समझ गए। अरे आप मिस्टर छोटू छलिया इधर आइए, एक पैकेट बनाओ जिसमें 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 2 किलो सरसों तेल, अरहर दाल, थोड़ा बैगन, भंटा, नेनुआ, गोभी, सब इनको दे दो। बेसिकली ही इज रेडी।
ऐसा है कि जरूरत और जरूरतमंद कहीं भी आ सकती है, तो इसलिए हम लेके चलते हैं, इसको लो और निकलो। अजीब बात है। अरे डायरेक्टर साहब, आपको तो पता है ना कौन है असली पंकज त्रिपाठी, निकालिए उनको यहाँ से, सेट से। क्योंकि उनको पता है कि कुमा और उपमा में क्या फर्क है। पुआ और उपमा, असली हम है। नहीं, असली हम है। नहीं, असली हम है। हम है असली, हम है असली, हम है असली, हम है, 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 हम है। मैं बताता हूँ असली पंकज त्रिपाठी कौन है। रुको। तो ठीक है, जो मेरे सवालों का सही जवाब देगा, ठीक है, पंकज त्रिपाठी वही। अच्छा, हम दिए तो हम हो जाएंगे? क्या हम भी देंगे तो हम हो जाएंगे? तुम हो ही नहीं सकती, पंकज त्रिपाठी मेल है। मिलते समय पंकज जी क्या कर रहे थे? सो रहे थे। फिर से सुन लीजिए। फिल्म मिलते समय पंकज जी क्या कर रहे थे? देगा असली पंकज त्रिपाठी वही है। ओके, तो पहली फिल्म मिलते समय पंकज जी क्या कर रहे थे? सो रहे थे। क्या बात है, हम मन में सोचे थे। एनएसडी में पंकज त्रिपाठी कितनी बार फेल हुए हैं? दो बार। बता। माधव को इस बार केस के बारे में कितना पता है? कुछ नहीं। अब आया उठकट घरे के भीतर, नहीं बता पाएगा क्योंकि इस बार का केस ना बिल्कुल सीधा नहीं है, बहुत पेचीदा है। एक चाइल्ड सेलिब्रिटी का मर्डर हुआ है। ट्रेलर देखे हैं ये? हम भी ट्रेलर देखे। कमिंग टू द पॉइंट, एक चाइल्ड सेलिब्रिटी का मर्डर हुआ है और आरोप उसके भाई पे लगा है। इतना तो हम पढ़ाई के वक्त नहीं जगे थे जितना हम इस केस को सॉल्व करने के वक्त जगे। तभी आप एनएसडी में दो बार फेल हुए थे ना? आखिरी सवाल, मनोज वाजपेयी जी की जो चीज आपके पास है? हाँ, मेरे पास है चप्पल। चप्पल? हाँ, वो सबको पता है, उसका रंग बताइए। नीला। उल्लू? हो गया ना, रोने लगे ना। झूठ बोलने वालों की अंत में यही हालत होती है, रोना पड़ता है। डोंट क्राई बच्चे, डोंट क्राई। हमें चप्पल का रंग कैसे पता होगा बताइए? हमें तो उसमें अभिनय के मोरस दिखते हैं। शांत होते हैं तो सफेद चप्पल दिखता है, क्रोधित होते हैं तो लाल चप्पल दिखता है, आंख बंद करते हैं कुछ नहीं दिखता है। अच्छा, कुछ नहीं दिखता। अरे उड़ा दिया ना बेचारे को, उड़ा दिया ना। पंकज जी, पंकज जी आप रोइए मत, आप रोइए मत। अरे बच्चन साहब प्रणाम, कैसे याद किए? अरे वो एक्चुअली जलसा के सामने से गुजर रहे थे, हमारी गाड़ी खराब हो गई तो सोचा आप क्या रखवा दे, आप फोन उठाए नहीं तो गार्ड को बोल के रखवा दिया। लेकिन आपकी गाड़ी तो यहाँ खाली नहीं दे रही है। हमारी गाड़ी थोड़ी थी सर, ऑटो वाले की थी। इसका मतलब जो हमारी छत में ऑटो खड़ा है वो आप खड़ा करके गए? अरे अभी तो मेरा रवा भी आएगा अपना छोटा हाथी लेके, रखवा दीजिएगा। अजीब आदमी है भाई, एक कुछ दिन पहले वहां अपनी बस खड़ा करके चला गया और कहता है कि हमारी बस जो है वो झूठ के आगे जाती नहीं। साबी है हमारे घर को रिक्शा स्टैंड बना रखा है। लेकिन आ गया, ठीक है, रखते हैं। प्रणाम। अब ये मत बोलना कि बच्चन साहब भी झूठे। बच्चन साहब के अलावा और भी ऐसे लोग हैं, हमारे लिए गवाही दे सकते। बाप रे बाप, सारे एक्टर्स का फर्जी गैंग बना के रखे हैं लोग। है तू लोग फर्जी लोग? अच्छा, सारे एक्टर्स का फर्जी गैंग। वाह, ये बड़ा डायलॉग अच्छा था, क्योंकि ये टीएसपी पे ना सारे एक्टर का आता रहता है। इससे का कौन है तुम ही बताओ, प्रूफ करो। हम करें प्रूफ? हम करें? यह जीवन का सबसे मुश्किल केस मिला है, वो बच्चे का मर्डर हुआ है, भाई पे आरोप लगा है, भाई है कि मुंह नहीं खोल रहा है, पुलिस है कि बढ़िया से काम नहीं कर रही है। अब मैं भाई से बुलवाऊं, पुलिस का काम करूं, इन्वेस्टिगेशन करूं, केस की तैयारी करूं कि आपको प्रूफ देता रहूं? प्रूफ देता रहूं? जीवन नहीं, मतलब माधव मिश्रा हो गए हैं, लाइफ में भी साबित करो। एक मिनट, प्रूफ चाहिए ना? देता हूं। अरे इनको डांडिया खेलना है, अब एक बार डांडिया खेलेगा? डांडिया नहीं खेलना है, सीमा
साबित करना है। लीजिए एक लकड़ी पकड़िए और डालिए अंदर जेब में, अंदर डालिए। ये चाणक्य की नीति है, हमने से जो कोई भी झूठ बोलेगा उसकी लकड़ी बड़ी हो जाएगी 5 मिनट में। काउंट करिए, टाइम देखिए 5 मिनट, देखिए अभी सब साफ हो जाएगा। क्या हो ये बोल रहे हैं, नकली बोल रहे हैं भैया। चाणक्य की नीति है ये मेरी नीति। 2 मिनट, 3 मिनट। निकालिए लकड़ी आपकी तो वही है, ये देखिए छोटी हो गई इनकी लकड़ी। मैं सिर्फ करेक्टर नहीं दिमाग भी पढ़ता हूँ, और ये कोई चाणक्य की नीति नहीं, माधव मिश्रा की नीति है। इन्हें डर था कि इनकी झूठ पकड़ी जाएगी, इसलिए इन्होंने लकड़ी तोड़ दिया। इसलिए कभी कभी उत्तर नहीं प्रश्न भी सही मिल जाए ना तो खेल हो जाता है, खेला हो जाता है। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मुझे बस मौका चाहिए था आपके साथ एक ये वाला सीन बताएंगे, गाय देके स्टोरी बताऊंगा। आप करिए सर, वो झूला मैं हां बास्केट ले जाना आपके लिए, बाहर चाय पीते हैं, बाहर फोटो की एक फोटो से चली। हां चलिए चलिए, बाहर चाय भी पिएंगे साथ में। सॉरी सर मैं चालू करवाता हूं। अरे चालू कराते हैं, आधे घंटे वेस्ट कर दिया। डायरेक्टर को भी बदल देना चाहिए, लगता ही नहीं आप अपने एक्टर को नहीं पहचानते यार, कैसे डायरेक्टर हो यार। एक मिनट, अगर झूठ बोलने वाले की लकड़ी बड़ी होगी तो बड़ी तो इनकी हुई ना, और उसकी छोटी है। अरे मतलब ये झूठ बोल रहे हैं। आप लोग मत निकालो, अरे मेरा नाव मंगाओ, नाव मंगाओ, मेरे को घर जाना है, मंगाओ नाव और छाता निकालो, लाओ जल्दी चलो। हेलो दोस्तों, हमको उम्मीद है कि ये वाले माधव मिश्रा जी को मिलके आपको भी उतना ही मजा आया होगा जितना आपको सब कुछ आया। इसे लाइक करें, कमेंट करें और कॉपी किया जरूर शेयर करें। अरे भाई आपका लाइन है बोलिए, असली पंकज त्रिपाठी के सामने नकली कैसे होता, हम तो बस आपको सुनना चाहते हैं। देखिए इस नकली असली के भ्रम और कंफ्यूजन को छोड़िए, और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर क्रिमिनल जस्टिस 3 आ रहा है, सीजन देखिए। यस 26 अगस्त, 26 अगस्त अब तक का सबसे मुश्किल, मजा आएगा। गाइस मैं बताता हूँ, क्रिमिनल जस्टिस 1 और 2 में दोनों देखा, तुमको दिखाया था, तू दिखाया था, देखी हो ना, मजा आया था बस। तो फिर क्रिमिनल जस्टिस 3 26 अगस्त मजा आएगा। वैसे आपको क्या लगता है गाइस पंकज त्रिपाठी के बारे में कमेंट करके बताएं, क्योंकि पंकज त्रिपाठी भाई मेरे तो बहुत फेवरेट एक्टर है, और क्रिमिनल जस्टिस हो जस्ट इन्हीं की वजह से हम देखेंगे क्रिमिनल जस्टिस की, पंकज त्रिपाठी क्या कर रहे हैं उसमें। एंड क्रिमिनल जस्टिस गाइस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस रहता है, मतलब ऐसा पहला वाला पार्ट है मेरे को याद है, इसको केस नहीं देते रहता, जबरदस्ती केस लेकर के उसको बचाता है। सेकंड वाले में लास्ट में वाइफ इसकी आ जाती है। गाइस बहुत जबरदस्त सीरीज है, मेरे को मजा आएगा, मैं तो वेट कर रहा था 1 साल से ऊपर से वेट कर रहा था कि इसका पार्ट 3 आएगा, और आ गया। 26 अगस्त गाइस, वैसे कमेंट इन द चैट, लाइक शेयर सब्सक्राइब।